लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता है इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिक्स हो। मेरे यार, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। पीठ जो है हमारे शरीर का, उसे हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे खपा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह कोई शुभ संकेत है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा जब तक अपना लक्ष्य को प्राप्त न कर लूं। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा और गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। मैदान में हरा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जिस दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं मेरे यार, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है।
खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं, इसलिए मेरे यार खुद को कभी बिखरना मत देना। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई, हारो मत, हार को हरा दो। मेरे यार दुनिया का वसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वालों से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। कला पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पे होती है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है मेरे यार। मैं कहता हूँ आपको, अगर लक्ष्य प्राप्ति करने में अगर आप गिर जाते हैं तो गिरो, लेकिन गिरने के बाद फिर से अपना कपड़ा झाड़ लो और फिर से चल दो उसे प्राप्त करने के लिए। थैंक यू मेरे यार, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना भाई का जरूर सपोर्ट करना। थैंक्स ए लॉट।